हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। आज का वीडियो उन सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स और जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उनके लिए खास होने वाला है जिन्होंने अभी तक साइट एक्सपीरियंस नहीं लिया है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए मेरा ये आज का वीडियो बना हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, आज मैंने फॉर्मवर्क के ऊपर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं तुरंत वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा होगा, मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, व्हाट इज़ फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क क्या है। तो दोस्तों, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, शटरिंग को ही फॉर्मवर्क कहा जाता है। फॉर्मवर्क यानी शटरिंग। फॉर्मवर्क इज़ मोल्ड इंक्लूडिंग ऑल टेम्पररी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज टू शेप एंड सपोर्ट द कॉन्क्रीट अंटिल इट्स अटेन्स सफिशेंट स्ट्रेंथ टू कैरी इट्स ओन वेट। फॉर्मवर्क यानी शटरिंग एक मोल्ड की तरह काम करता है और कंक्रीट को सपोर्ट और ताकत और स्थिरता भी देता है। कंक्रीट भर जाने के बाद जब कंक्रीट फॉर्मवर्क से खोलते हैं तब उसे डीशटरिंग या स्ट्रिपिंग भी कहते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ शटरिंग, व्हाट इज़ अ फॉर्मवर्क, तो आपको बताना है कि एक ढांचा होता है, एक मोल्ड की तरह काम करता है शटरिंग, जो कि कंक्रीट को स्थिर रहने में, ताकत देने में और सपोर्ट देने में काम में आता है। इसे फॉल्स वर्क भी कहते हैं दोस्तों। आगे की स्लाइड में चलते हैं। क्वालिटी ऑफ फॉर्मवर्क, क्वालिटी के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स। तो क्वालिटी ऑफ फॉर्मवर्क्स में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। एक सिविल इंजीनियर को फॉर्मवर्क में क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्वालिटी चेक करनी होती है, हम पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी वाटर टाइट। तो शटरिंग या फॉर्मवर्क ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। जब क्योंकि हम लोग को जब भी कॉन्क्रीट करते हैं तब सीमेंट स्लरी जो होता है वो शटरिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो वाटर टाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी स्ट्रांग। शटरिंग हमेशा मजबूत होना चाहिए तभी वो उसको कॉलम को कंक्रीट को सपोर्ट दे पाएगा। थर्ड है इट कैन बी रीयूजेबल। शटरिंग हमेशा रीयूज होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलम में या एक ही स्लैब भर दिया तो शटरिंग यूज़ नहीं होगा। शटरिंग हमें बार बार यूज़ करना होता है, इसके लिए उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फोर्थ है इट्स कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी यूनिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर मान लीजिए सपोज आपकी कॉलम या स्लैब का शटरिंग कर रहे हैं, अगर उसका कॉन्टैक्ट सरफेस जो कंक्रीट को टच होने वाला सरफेस है वो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक लेवल में नहीं होगा, तो आपका सरफेस फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, अनइवन दिखेगा, अंडुलेशन दिखेगा कॉलम में या स्लैब में। तो सरफेस जो होता है वो एकदम प्लेन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ मेंबर। जिस साइज़ का कॉलम है उसी साइज़ का शटरिंग आपको करना है या आपको चेक करना है। तो शटरिंग के साइज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स एज पर आईएस कोड। आईएस कोड हमको बताता है कि कितने टाइप्स के फॉर्मवर्क्स होते हैं। वीडियोस की एंड में मैं इमेजेस दिखाकर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने टाइप्स के फॉर्मवर्क्स होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट है ट्रेडिशनल टिम्बर फॉर्मवर्क। तो प्लाई का यूज़ करने से पहले लोग टिम्बर फॉर्मवर्क यूज़ करते थे, प्लैंक, वुडन प्लैंक, फली जो होती हैं उससे उसको फिनिशिंग करके कॉलम या स्लैब में शटरिंग किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है प्लाईवुड फॉर्मवर्क, इसको हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग भी बोलते हैं। ज़्यादातर साइड पे प्लाईवुड फॉर्मवर्क ही किया जाता है क्योंकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, इकोनॉमिकल भी होती है और इसमें काम का स्पीड भी अच्छा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टील फॉर्मवर्क। तो प्लाई के बाद जब स्टील फॉर्मवर्क में आपको मालूम है एमएस पैनल्स, एमएस शटरिंग जो होता है, सोल्जर्स पैनल्स, एमएस का शटरिंग जो बना होता है उसको स्टील फॉर्मवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क। अभी आप देख रहे हैं कि माइवन शटरिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो माइवन शटरिंग एक एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का टाइप है दोस्तों। लास्ट है स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क, जैसे हम लोग मोल्डिंग,
कोपिंग भरते हैं, उसका जो मोल्ड होता है, सांचा होता है, उसको स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क कहते हैं दोस्तों। एलिवेशन के लिए ये फॉर्मवर्क काम में आता है। आगे मैं आपको ये सब के इमेजेस दिखाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये है टिम्बर फॉर्मवर्क। जैसे कि हमको मालूम है ये कन्वेंशनल प्लाई का शटरिंग यूज़ किया जाता है हर जगह। ये स्टील का फॉर्मवर्क है दोस्तों, इसमें नट बोल्ट्स, पिंस, ये सिस्टम दिया जाता है। आगे हमारा ये एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, माइवन जिसे बोलते हैं, और ये है मोल्ड स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क। एलिवेशन के लिए जब हम लोग मोल्डिंग का या कॉर्निस निकालते हैं तो ये ऐसा ढांचा यूज़ करना होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।